Hey guys, welcome to Ishant's review and आज हम करने वाले हैं मैदान मूवी के टीजर का रिएक्शन एंड फाइनल ये टीजर आ चुका है, रिलीज हो चुका है। यही बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये मूवी आई थिंक सो 2019 या 2020 से पोस्टपोन होते आ रही थी, मतलब 2020 फिर 2021 है, बहुत बार पोस्टपोन होकर फाइनली ये रिलीज़ होने वाली है। अभी इन्होंने इसका टीजर रिलीज़ कर दिया है, इसमें भी 2023 में भी आई थिंक सो ये पोस्टपोन ही हुई थी क्योंकि अजय देवगन ने कहा कि पहले उनकी भोला रिलीज़ हो जाए फिर ये रिलीज़ कर देंगे, ऐसा मैंने सुना था। सो या इसके अंदर अजय देवगन है एंड ये हमारे कुछ पुराने टाइम की फ़ुटबॉल की कहानी है, फुटबॉल के स्ट्रगल के ऊपर मूवी बेस। तो हम इसके टीज़र को देखेंगे एंड फिर इसका रिएक्ट थोड़ा मेरा ओपिनियन भी वगैरह भी बताऊँगा एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके टीज़र के लिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका स्वागत करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से। लगातार चलती बारिश के कारण आज मैदान पानी की चादर से ढक चुका है। आपको बता दें कि आज भारत की टीम भिड़ेगी अनुभवी युगोस्लाविया की टीम से। भारत एक युवा देश जो अपनी आजादी के 5वें साल में दूसरी बार ओलंपिक्स में फुटबॉल खेल के लिए क्वालिफाई हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा इस मैदान में नंगे पांव खेलना। गोल्डन हेयर ऑफ मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखना एक June 23rd। चलो सो ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था, 1952 से लेकर 1962 का जो इंडियन का इंडिया का गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल था उसकी कहानी रहेगी ये प्रोबेबली, उस टाइम के स्ट्रगल की इंडिया की कहानी रहेगी बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट शूज़ ये लोग फुटबॉल खेलते हैं मैच में एंड शायद जीते भी होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे अब रिसर्च करना पड़ेगा बट या एंड इसमें अजय देवगन ऐसे कोच है, इनके काफ़ी सारे डायलॉग्स वगैरह भी रहेंगे तो देखने में डेफिनेटली मज़ा भी आएगा एंड काफ़ी सारा हमको पता चलेगा फुटबॉल के बारे में, लाइक इंडिया का स्ट्रगल फुटबॉल के लिए हमको पता चलेगा। उसी के साथ साथ हमें जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको भी शायद इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले बिकॉज इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यू नो हम यहाँ पे क्रिकेट वगैरह की बात करते हैं, बट मैं यहाँ पे स्कूल्स में, मैं जब स्कूल में था या फिर अभी मैं जब कॉलेज में हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स बहुत क्रेजी है फुटबॉल के लिए एंड पता चलता है कि फुटबॉल का क्रेज़ कितना है। तो आई फील कि ये मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे इसका अगर अच्छे से प्रमोशन वगैरह किया जाए तो, बिकॉज ये काफ़ी पोस्टपोन्ड हो रही थी सो इसका क्रेज़ अभी तक है नहीं बट आफ्टर प्रमोशन शायद अवेयरनेस आ जाए, सो वही है एंड उसके साथ साथ यार होना चाहिए लाइक थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी, मतलब काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी शायद इस मूवी से, अभी वो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा बट आई एम एक्साइटेड, मैं देखूंगा इस मूवी को बिकॉज ये मेरे बर्थडे के अगले दिन रिलीज़ हो रही है सो मैं देखने वाला हूँ इस मूवी को एंड या डेफिनेटली ये भी जून में रिलीज़ हो रही है, जून में काफ़ी सारे मूवीज रिलीज़ हो रहे हैं तो मज़ा आएगा एंड आपके जरूर से ओपिनियंस बताना इस टीज़र को लेके, मेरे वीडियोज़ को लेके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार मज़ा आएगा, मतलब जून महीना फुल ऑफ मूवीज़ वगैरह जाने वाला है यार, मतलब अप्रैल, मतलब मज़ा आने वाला है। अप्रैल का मंथ फुल ऑफ यू नो न्यूज़ रिपोर्ट्स उस सब के लिए था एंड जून का मंथ फुल ऑफ मूवीज़ रहने वाला है, जून अगस्त मज़ा आएगा। आप अपने थॉट्स वगैरह जरूर से बताना, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।